इन दिस सेशन आई एल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ़ॉरन एक्सचेंज पैरिटी रिलेशन हम इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को क्यों इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जब हमें फाइनेंशियल फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की कैटेगरीज हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनमें एक ऑप्शन ये है कि आप फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कौन सी फॉरेन एक्सचेंज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कितने टाइम पीरियड के लिए करनी है वो आपके लिए फिजिबल है नहीं है इस चीज़ को अंदाज़ा लगाने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक इन टू अकाउंट द फ़ॉर एक्सचेंज पैरिटी रिलेशन और फॉरन एक्सचेंज पैरिटी रिलेशन के लिए एक और जो लफ्ज़ या टर्म हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ इंटरेस्ट रेट पैरिटी यानी कि आई और अभी हम करते क्या हैं कि फ़ॉरन एक्सचेंज का बहुत गहरा रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट के साथ और अभी जब हम फॉरेन एक्सचेंज पैरिटी को फाइंड आउट करते हैं उसकी वैल्यू तो फिर हमें इंटरेस्ट रेट्स को भी अकाउंट फॉर करना पड़ता है बिकॉज़ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशल्स डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स होती हैं और जब आप सिर्फ उनकी जो फेस वैल्यू है करेंसी का उसको अकाउंट फॉर करते हैं तो आपके सामने एक नामुकम्मल पिक्चर आती है पर्टिकुलरली यहाँ हम कह रहे हैं कि हम फ्यूचर्स बाय करें यानी कि देर इज़ अ सर्टन टाइम पीरियड देट इज़ इन्वॉल्व तो जब आप किसी और करेंसी को परचेज कर रहे हैं तो उसमें हमें अंदाज़ा करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर करेंसी के इशू करदा जो हुकूमत है वहाँ उस मुल्क में जो इंटरेस्ट रेट है वहाँ वो क्या है तो जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशल है बहुत कंट्रीज़ में दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉटेंट रोल बिकॉज वी आर वी आर कंसिडरिंग सिचुएशन जहाँ टाइम पीरियड इन्वॉल्व है तो हमें इंटरेस्ट रेट्स को भी अकाउंट फॉर करना पड़ता है सो so, इस पर्टर चीज़ को समझने के लिए आई यूज़ द फॉर्मूला विच इज़ कंसिडर्ड वेन वी गो फॉर द इंटरेस्ट रेट पैरिटी और पैरिटी को इस्तेमाल करते हैं जितने भी फॉरन एक्सचेंज के ट्रेडर्स होते हैं जिसको हम फॉरक्स ट्रेडर्स बोलते हैं uh, कोई भी आर्बिट की uh, ऑपरचुनिटीज़ को uh, हासिल करने के लिए उनसे फ़ायदा उठाने के लिए आर्बिट्राज की अपरचुनिटी का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी मल्टीपल लोकेशन के ऊपर डिफरेंट प्राइस के ऊपर सेम एसेट देखने को मिल रहा है तो आप फटाफट उस पर्टिकुलर डिफरेंस इन द प्राइस की एडवांटेज लेने के लिए सस्ती जगह से वो चीज़ खरीदेंगे और महंगी जगह पे वो जगह जहाँ वो वही चीज़ वही एसेट महंगा है आप वहाँ जाके उसको बेच देंगे ताकि आपको फ़ायदा हो सके तो जैसे हम चीज़ों की बात करते हैं वहाँ आर्बिट्राज होती है इसी तरह से हम फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में भी देखते हैं कि वहाँ इन्वेस्टर जो हैं वो आर्बिट्राज करके कोई ना कोई तरह से अपने प्रॉफिट्स को बनाते हैं और उस पर्टिकुलर uh, काम के लिए uh, जो पैमाना इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट पैरिटी और उसको हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की मदद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इधर यह एफ देखने को मिल रहा है आपको विच इज़ द फॉरवर्ड प्राइस तो अगर जो आपकी फॉरवर्ड प्राइस है वो आपकी स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस आई सी विच इज़ द इंटरेस्ट रेट इन अ सर्टेन कंट्री हम समझ रहे हैं देर आर टू कंट्रीज कंट्री सी है और कंट्री बी है तो इंटरेस्ट कंट्री सी का इंटरेस्ट रेट क्या है और कंट्री बी का में इंटरेस्ट रेट क्या है इन दोनों को आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट पैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए तो हमने क्या किया हमने सी कंट्री की इंटरेस्ट रेट ली उसमें वन जमा किया डिवाइडेड बाय बी का इंटरेस्ट रेट प्लस वन को हमने डिनोमिनेटर में रखा ये रेशियो निकाल के आपने स्पॉट प्राइस ऑफ पर्टिकुलर करके आप अपनी फॉरवर्ड प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉरवर्ड uh, रेट है उसमें आपको uh, देखने को मिल रहा है फायदा ये जो फॉरवर्ड रेट है माइनस द स्पॉट प्राइस टर्न आउट टू बी पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड रेट ग्रेटर है स्पॉट प्राइस से तो इसका मतलब है कि आपको फॉरवर्ड प्रीमियम मिलने वाली है आपको फ़ायदा होगा लेकिन अगेन हमेशा ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे अभी आपने डॉलर लिया है किसी फॉर एग्ज़ाम्पल एक सौ का और फ्यूचर में जाके आपको उस उसके लिए ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ी है तो ऐसे के सिचुएशन में आपको uh, नफा नुकसान दोनों सूरत हाल हो सकती है फ्लक्चुएशन को काउंट फॉर करने के लिए हेंस नीड टू सी के हमारा जो फॉरवर्ड प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से लार्जर है या स्मॉलर है तो अगर आपका फॉरवर्ड प्राइस स्पॉट प्राइस से लार्जर है तो फिर तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा और हम इस पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड स्पॉट प्राइस को कह रहे हैं फॉरवर्ड प्रीमियम लेकिन अगर उलट बात हो जाए कि आपकी जो फॉरवर्ड uh, प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से नीचे चली जाए तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम टेक्निकली फॉरवर्ड डिस्काउंट बोलते हैं और ऐसा करने ऐसा सिचुएशन में जो इन्वेस्टर है उसको नुकसान हो जाता है और अभी एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको देखनी है दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज पैरिटी को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स हैं दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इन द वैल्यू ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज तो जो करेंसी ऐसी करेंसी जिधर आपकी इंटरेस्ट रेट कम है उस करेंसी के लिए आपको पॉसिबिलिटी मिल सकती है कि वहाँ पे आपको फॉरवर्ड प्रीमियम मिलने वाली है जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो यू डॉलर है वहाँ इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है और उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है तो ऐसे के सिचुएशन में इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन यू डॉलर तो यू देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट द फॉरवर्ड प्रीमियम और इसी तरह से वो तमाम मुल्क जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हायर है और उनकी फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू कम है तो वहाँ पे आपको नुकसान फॉरवर्ड डिस्काउंट होने के फॉर्म में आपको फेस करना पड़ता है सो दे इट्स नॉट जस्ट द वैल्यू ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज या एक्सचेंज रेट की वैल्यूज़ को देखने के साथ ही हमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम फॉरेन एक्सचेंज पैरिटी रिलेशन को भी अंडरस्टैंड करें और फॉरेन एक्सचेंज पैरिटी रिलेशन में हमें इंटरेस्ट रेट्स इन बोथ कंट्रीज़ को भी अकाउंट फॉर करना होता है